फोर्थ ईयर कल हमने आपको पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करवाया था और इसका हमने फर्स्ट टॉपिक का जो सब टॉपिक था दो कौमी नज़रिया वो कवर भी कर लिया था। और पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियाद मैंने आपको कल पढ़ाया था और उसके बाद फिर हमने दो कौमी नज़रिया पढ़ा था कि पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियाद किस पर है, इस्लाम पर। और पाकिस्तान हमने जिस नज़रिए की बुनियाद पर हासिल किया उसको इस्लाम नज़रिया इस्लाम कहते हैं, जिसकी बुनियाद है दो कौमी नज़रिया, जिसकी बुनियाद इस्लाम है। और दो कौमी नज़रिया भी यही है कि हिंदुस्तान में दो बड़ी कौमें मुसलमान और हिंदू आबाद थे, अगरचे सदियों तक इकट्ठे रहीं लेकिन ये एक कौम नहीं बन सकी। इसी को हम आसान लफ्ज़ों में दो कौमी नज़रिया कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के क़याम के मकासद, यानी हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या हमारी मकासद थे, हम क्यों इस पाकिस्तान को हासिल करना चाहते थे। क्या हमारा मकसद सिर्फ़ एक अलग इस्लामी रियासत बनाना था, एक अलग रियासत का हासिल करना था, एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करना था, या इसके अलावा भी मुसलमान लीडर्स के जहन में कोई ख़्याल था और आम मुसलमान के दिल में कोई और भी ख्वाहिश थी, या सिर्फ़ एक अलग रियासत का हसूल ही था। तो पाकिस्तान के क़याम के हसूल के लिए सबसे पहली जो चीज़ थी वो इस्लामी निज़ाम का क़याम था। कायद आज़म की कोटेशन भी आपको याद होगी, कायद आज़म ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया था कि हमने पाकिस्तान इसलिए नहीं हासिल किया था कि हम महज ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल करना चाहते थे, बल्कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा इसलिए किया था कि हम इस्लाम के असूलों को आजमा सकें। तो बेसिकली हमें एक ऐसी रियासत चाहिए थी जहाँ अमली तौर पर इस्लामी असूलों को आजमाया जा सके, एक इस्लामी रियासत का क़याम किया जा सके। इस्लामी निज़ाम के क़याम की ख्वाहिश जो मुसलमानों के जहन में दिल में थी वो उसी सूरत में मुमकिन थी जब वो अपनी एक अलग रियासत बना सकें, क्योंकि 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत की तारीख थी, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था वो था डेमोक्रेसी का। और 19वीं-20वीं सदी के बाद से पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट यही निज़ाम ज़्यादा पॉपुलर था, यही निज़ाम चलता रहा था जिसमें अक्सरियत को हुकूमत बनाने की दावत दी जाती है। अब जब अक्सरियत की हुकूमत हो तो अकलियत हमेशा निगलेक्ट हो जाती है, ख़ास तौर पर ऐसी अकलियत जो कि एक बड़ी तादाद में हो। तो मुसलमानों को मालूम था कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो हिंदुओं के साथ विद इन अ स्टेट अपनी मर्ज़ी का निज़ाम ला सकें, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बना सकें। इसलिए उनके दिल में ख्वाहिश थी, उनके अंदर ये शौक़ था और उनका और पाकिस्तान को हासिल करने का मकसद भी यही था कि वो अलग से इस्लामी निज़ाम को कायम कर सकें। और इस्लामी निज़ाम को कैसे कायम कर सकते थे, जब वो अपनी अलग एक रियासत बनाते। इसी तरह जो थे मुसलमान ये चाहते थे कि अपने लिए जो अलग वतन वो हासिल करेंगे उसमें उनको बहुत सारी ज़ाहिर है उनको उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, उनकी बहुत सारी ख्वाहिशात थी जिनको वो हासिल करना चाहते थे। इसीलिए जब क़रारदादे मकासिद को पास किया गया तो उसमें जो असेंबली ने क़रारदाद मंजूर की उसमें उन्होंने वाज़े किया कि पाकिस्तान किस किस्म की रियासत होगी। ज़ाहिर है इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे अलग हुए थे, आज़ाद हुए थे, तो इंडियन स्टेट जो थी वो सेकुलर स्टेट थी, लादीनी रियासत थी, यानी रियासत का अपना कोई मज़हब नहीं है। हालांकि वहाँ पर हिंदुओं की तादाद बहुत ज़्यादा है और वो एक हिंदू रियासत है, हिंदुओं को सपोर्ट करती हैं, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने अपना स्टेटस सेकुलर डिक्लेयर किया था। लेकिन पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में अपना स्टेटस दीनी रियासत के तौर पर शो किया और क़रारदादे मकासिद में ये वाज़े किया गया कि पाकिस्तान जब का आइन जो भी बनेगा उसमें वाज़े होगा कि पाकिस्तान में इक्तदार अल्लाह ताला का मालिक अल्लाह ताला है, उसके साथ इस्लामी असूल रवादारी जमहूरियत माशरती इंसाफ आज़ादी मसावत इनको अपनाया जाएगा और पाकिस्तान के आइन को इस तरह से बनाया जाएगा कि अवाम अपनी इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगी को इस्लामी असूलों के मुताबिक इस्लामी तरीके के मुताबिक गुजार सके। और ये तब मुमकिन था जबकि एक मुकम्मल ऐसा प्रैक्टिकल वे बनाया जाए जिसमें मुसलमानों को इन ऑब्जेक्टिव्स को इन मकासद को हासिल करने का के लिए उनके लिए एक आसान सी राह पैदा हो सके। इसके अलावा मुसलमानों का ये भी मकसद था
कि वो जिस तर्ज़ माशरत को का वो ख्वाब देखते थे, एक मुकम्मल इस्लामी निज़ाम का, एक मुकम्मल इस्लामी माशरे का, जो कि हिंदुओं के साथ रहते हुए मुमकिन नहीं था। तो वो चाहते थे कि वो अपने एक मखसूस तर्ज़ माशरत को, अपने मखसूस एक सोशल लाइफ है उनकी, रिलीजियस लाइफ है, उसको वो फॉलो कर सकें, एक ख़ास पैटर्न पर चला सकें इस्लामी रियासत के अंदर। इसीलिए पाकिस्तान को हासिल भी किया गया और यही पाकिस्तान के हासिल का एक मकसद भी था। इसके अलावा मुसलमान ये चाहते थे कि वो माशी अदल इंसाफ हासिल कर सकें। हिंदू बेसिकली जो थे वो क्या कहते हैं इसको, सूद के निज़ाम पर बहुत ज़्यादा काम करते थे। इस वजह से सूदी निज़ाम की वजह से जो ओवरऑल हिंदुओं की मईशत थी, हिंदू माशी लिहाज से मुसलमानों से बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। इसके अलावा जितनी सनती तरक्की थी वो ज़्यादातर हिंदुओं के इलाके में थी, बड़ी बड़ी सनतें हिंदुओं के इलाकों में थी, और मुसलमान बहादुर होने की वजह से अंग्रेज़ फ़ौज का हिस्सा थे और बड़ा हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल था। इस वजह से ज़्यादातर मुसलमानों के इलाकों पर अंग्रेज़ों ने जानबूझकर तवज्जो नहीं दी थी कि उनको फिर फ़ौज के लिए यहाँ से अफराद अच्छे मिल जाते थे, और हिंदू इसके मुकाबले में काफ़ी डरपोक थे, तो हिंदुओं के इलाकों में सनतें ज़्यादा लगाई गईं। इसका अल्टीमेटली माशी नुकसान मुसलमानों को बहुत ज़्यादा हुआ और हिंदुओं को इसको काफ़ी फ़ायदा पहुँचा। तो मुसलमान ये चाहते थे कि वो अपनी जब रियासत बनाए तो उसके अंदर ये सूदी निज़ाम ना हो, दौलत की मुनसिफाना तकसीम हो, सरमायादार और सनतकार लोगों का खून ना चूसते रहें, बल्कि एक ऐसा निज़ाम कायम हो जहाँ पर वो इस्लामी असूलों को, इस्लामी माशी निज़ाम को अप्लाई कर सकें और जिससे हर तबका मुसलमानों का, या उस पाकिस्तान की रियासत का, मुसलमानों की रियासत का हर तबका इक्वली जिससे फ़ायदा हासिल कर सके, उससे मुस्तफीद हो सके। इसके अलावा मुसलमानों की एक ये ख्वाहिश थी कि वो एक ऐसी रियासत बना सकें जहाँ पर वो पाकिस्तान जो उनकी रियासत है वो इस्लाम के लिए किला साबित हो और मुसलमानों की इससे स्ट्रेंथ शो हो, मुसलमान इससे मुत्तहिद हो। जब पाकिस्तान बना था वैसे तो 1971 में अनफॉर्चुनेटली इसका एक पार्ट, मशरकी पार्ट जो था उससे अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया, लेकिन जब पाकिस्तान बना था 1947 में तो ये दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी इस्लामी रियासत थी। इस लिहाज से मुसलमानों के लिए एक बड़ी खुशआइन बात थी, वो चाहते थे कि वो एक ऐसी रियासत कायम कर सकें जो मुसलमानों के लिए आलम इस्लाम के लिए एक मजबूत किले की शक्ल हो, आलम इस्लाम में किसी भी छोटी या बड़ी इस्लामी रियासत को मदद की ज़रूरत हो या वो कमज़ोर हो, उसको किसी किस्म की उसके उसको जो कमज़ोरी है उसका उसका जो दिफा है वो पाकिस्तान कर सके। इसके अलावा मुसलमान बरसगीर के मुसलमान ये चाहते थे कि वो एक ऐसा मिसाली निज़ाम हुकूमत बनाए जहाँ पर वो इस्लाम के सारे असूलों को प्रैक्टिकल शक्ल दे सकें और वो एक ऐसी रियासत बनाए जहाँ पर सिर्फ जो एक थियोक्रेसी या एक टिपिकल दीनी रियासत ना हो, जहाँ पर लोग दूसरे अकायद के पैरोकारों को आज़ादी के साथ रहने की इजाज़त ना हो, बल्कि एक ऐसी दीनी रियासत हो जो इस्लाम के रोशन असूलों के ऊपर चलती हो, इस्लाम के असूलों के मुताबिक जो एक ऐसी मिसाली रियासत कायम की जाए जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए। इसीलिए ये सब वो मकासद हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। इसके अलावा आप कुछ पॉइंट्स अपने पास से भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ये कि मुसलमानों का के लिए पाकिस्तान का क़याम इसलिए भी ज़रूरी था कि वो हिंदुओं की तंग नज़री से निजात हासिल करना चाहते थे। हिंदू 1000 साल तक मुस्लिम हुकूमत के अंडर रहे, लेकिन उनकी मेजॉरिटी को, उनकी अक्सरियत को किसी ने माइनॉरिटी में बदलने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस जो वसत पसंदी थी या आला जरफी थी या वसत नज़री थी, इसका जवाब हिंदुओं ने हमेशा तंग नज़री से और तासुब से दिया। तो मुसलमान एक ऐसी रियासत चाहते थे जहाँ वो हिंदुओं की तंग नज़री से निजात हासिल कर सकें। आप इसके अंदर ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि हिंदुओं की तंग नज़री से निजात हासिल करना चाहते थे। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम फसादात का हल, यानी इस्लाम पाकिस्तान के क़याम का एक मकसद ये भी था कि हिंदू मुस्लिम फसादात का एक मुकम्मल परमानेंट हल होना चाहिए जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में हारमनी से अच्छे हमसायों की तरह रह सकें। अभी भी अगर आप इंडिया के हालात देखते हैं, वहाँ जो
कम्युनल वायलेंस होती है, जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसकी तो कहीं दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। तो मुसलमान बेसिकली चाहते ही यही थे। और देखें, पाकिस्तान के क़याम के लिए फंडिंग से ले कर जानी कुर्बानियाँ देने तक जो वो इलाके भी साथ रहे जो जहाँ जिनका बारे में अल्टीमेटली यही डिसीजन होना था कि उन मुसलमान मुस्लिम इलाकों ने या उन मुसलमानों ने हिंदू अक्सरती इलाकों में या हिंदुस्तान में शामिल होना था। क्यों? क्योंकि वो ही चाहते थे मुसलमान कि चाहे हम हिंदुस्तान में ही रहें या हम हिजरत करके ना जा सकें, लेकिन जो हमारे बाकी मुसलमान भाई हैं वो एक आज़ाद रियासत में, आज़ाद मुस्लिम रियासत में रह सकें। इसके अलावा आप इसके अंदर ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि कम्युनल वायलेंस का भी आप चलें हो गया, और इसके अलावा इस्लामी माशरती निज़ाम की ख्वाहिश या इस्लामी माशरे के क़याम की ख्वाहिश। मुसलमान चाहते थे कि वो एक ऐसा माशरा कायम करें जहाँ पर इस्लामी असूलों का रिवाज हो, इस्लामी असूलों की तरवीज की जा सके, वो अपनी नई नस्ल को हिंदुओं के असर से आज़ाद रख सकें। इसके अलावा आप मुस्लिम तहजीब और सकाफत का तहफ़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि मुसलमान चाहते थे कि हिंदुओं के साथ रहते हुए वो जो उनके कल्चर से चीज़ें वो और उनकी आने वाली नस्लें अडॉप्ट कर रही थी उससे वो बच सकें। जैसे गाना बजाना मुसलमानों में बहुत आम हो गया था, ये अभी तक है, और भी बहुत सारी ऐसी हिंदू रसूमात थी जो मुसलमानों के अंदर आ रही थी, तो वो चाहते थे कि वो उनसे निजात हासिल कर सकें। इसके अलावा अपना एक अलग तशख्स का या अपनी अलग पहचान, अपने तशख्स का तहफ़ आप एक ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि मुसलमान चाहते थे कि उनकी अपनी एक अलग पहचान रहे, और वो बरसगीर में हिंदुओं के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने तशख्स ना खो दें, अपने मज़हब को, मज़हबी असूलों को, मज़हबी निज़ाम को, साथ साथ अपनी बहैसियत कौम तशख्स को बचा सकें। इसलिए भी उन्होंने इस्लाम को और उसको पाकिस्तान को हासिल करने के लिए कोशिश की। पाकिस्तान को हासिल करने की कोशिश में एक रीज़न ये भी थी कि इस्लामी तशख्स को वो बरकरार रखना चाहते थे। ये सारे पॉइंट आप इसके अंदर ऐड करके, तकरीबन ये 6-7 पॉइंट आपकी बुक के हैं, 4-5 ये भी ऐड करके आप इसको कम से कम 10-11 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़।